Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Syed Munawar Hassan sahab rehlat farma gaye. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Unki rehlat se Jamaat Islami Pakistan bhi aur Pakistan ke awam ek qaid se mehroom ho gaye. Duniya bhar mein jo Islami tehrikat is waqt qaim hain wo bhi ek acche ameer se acche qaid se mudabbir se mehroom ho gaye. एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया है. अल्लाह ताला इस खिला को अपने फजल खास से पुर कर ले. सैयद मुनव्वर हसन साहब अपनी ज़ात में भी एक मिसाली मुसलमान थे और बहैसियत कायद अमीर और मीर कारवान के भी बहुत ही आइडियल शख्सियत थी. कुरूनी उला के एक ज़िंदा नमूना थे. अपने फ़क्र में और अपने दरवेशी में वो हम सब के लिए एक नमूना रहे हैं. हम सब की तरबियत में सैयद मुनव्वर हसन साहब ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है और उनकी तकरीरों से हज़ारों और लाखों लोगों के दिल इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो गए. सैयद मुनव्वर हसन साहब एक नज़रिए का नाम है, एक जोहदे मुसलसल का नाम है और उनकी तमन्ना थी कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बन जाए और इस मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर बना है अल्लाह ही का निज़ाम गालिब हो. उसके रहलत के बाद एक बार फिर हमने यही अज़म करना है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सैयद मुनव्वर हसन साहब के नक्श कदम पर चलना है और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करना है. मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अब तक इस खबर के मिलती ही ताज़ियती पैगामात मुझे भेजे हैं, राबिता किया, अफसोस का इज़हार किया. अल्लाह रब करीम आप सबको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएँ.